हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हमारी है एनिवर्सरी। तो गाइस, हम जा रहे हैं घूमे करने। लाइक गाइस, हम जाने वाले सब्सक्राइब शेयर ये वो तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, है ना? हाँ, वैसे भी आप करते हैं गाइस। अच्छा गाइस, मैं ये बोल रही थी, आज हम जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं मोदल के पास, जो क्या नाम है, प्लेन रेस्टोरेंट ना, प्लेन वाला जो रेस्टोरेंट है, वहाँ जा रहे हैं। तो हमने एक बार देखा था जाते टाइम जब हम मोदल गए थे, तो हमने कहा आज हम वहीं चलते हैं, कुछ अलग सा है। तो बाकी चीज़ें मैं आपको वहाँ जाके, वहाँ पहुँचने के बाद ही दिखाऊंगी। तो चलते हैं गाइस। गाइस, हम निकल चुके हैं। तो ये रहे मेरे हस्बैंड। अब मैं अच्छे से आप लोगों को इनको दिखाऊंगी, देख लो, अच्छे से देख लो इनको। स्वीट स्वीट हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे से, बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं मुझसे। ऐसा कोई बात है? ऐसी कोई बात नहीं है। तो गाइस, हम जा रहे हैं घूमी करने। तो छोड़ो ना, यहीं के छोले भटूरे खा लेते हैं संडे मार्केट। गाइस, ये संडे मार्केट लगी हुई है। तो ये बोल रहे हैं कि छोड़ो, क्या एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करने, सेलिब्रेट करने जाना, हम यहीं के ये छोले भटूरे मिल रहे हैं ना, ये छोले भटूरे कह रहे हैं, ये छोले भटूरे खिला देता हूँ तुम्हें। और बोल रहे हैं 3500 रुपये में काम हो जाएगा छोले भटूरे खा के। तो बट मेरे को तो इनका ज़्यादा खर्चा करवाना है ना। यहाँ पर 10000 रुपये में वो मिल रहे हैं क्या, वो ये होते ना कान और नाक में पहनने वाले, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एनिवर्सरी। गाइस, ये बोल रहे हैं कि ये जुराबे ले लो 50-50 रुपए में। ये 10-10 रुपए की चीजें जो मिल रही हैं, ये ले लो एनिवर्सरी गिफ्ट मेरी तरफ से। देख ले कार्वी का क्या सुनना पड़ रहा। चलो गाजर खा लो। तो गाइस, हम निकल चुके हैं, ये संडे मार्केट लगी हुई है आज। तो आज हमारी एनिवर्सरी संडे के दिन पड़ी है, तो ये संडे मार्केट लगती है यहाँ पे। तो बस हम मिलते हैं, बाकी मैं आपको बताती रहूँगी। तो गाइज, अब मैं फाइनली वहाँ पहुँच के ही आपसे बात करती हूँ। गाइज, हम फाइनली अपनी लोकेशन पे पहुँच चुके थे काफ़ी सर्च करने के बाद। तो कार्विका बहुत ही एक्साइटेड थी अंदर, क्योंकि अभी तक वो प्लेन में नहीं बैठी है। तो ये वैसे ना, ये जो ऐसे ही बोलते हैं कि ये जो है ख़राब प्लेन है, उन्हीं में ही इन्होंने डेकोरेट करके रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये टॉय ट्रेन थी, तो काफ़ी अच्छी थी। और गाइस, आप देख सकते हो ये दो प्लेन है, एक रनवे 1 और रनवे 2 करके है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये बहुत ही डांस वगैरह हो रहा था, भंगड़ा वगैरह, बट सॉन्ग में लगा नहीं सकती थी, क्योंकि अगर मैं सॉन्ग ऐड करती इसमें या जो ये सॉन्ग था, तो इसीलिए तो कॉपीराइट आता, इसलिए मैं नहीं। आप ऐसे देख सकते हो कि ये यहाँ पे मतलब डांस हो रहा है, और बहुत ही मज़ा आ रहा था हम लोगों को डांस करने में यहाँ पे। तो मतलब आने के बाद एक हमें अलग सा एक्सपीरियंस मिला कि यहाँ पे हवाई अड्डा नाम है इसका, तो भाई मतलब जो नाम है इसका हवाई अड्डा है। और ये बैलून वाला था ये जंपिंग, तो गर्विका को ये करना था, तो इसने गर्विका ने बोला मुझे ये करना है, तो यहाँ पर इंजॉय कर रही थी अपना। तब तक हम लोग डांस एंजॉय कर रहे थे यहाँ पे, जो डांस हो रहा था। तो गाइस, आप देख सकते हो ये रियल प्लेन है, रियल, ये बिल्कुल रियल प्लेन है। ये जो प्लेन ख़राब हो जाते हैं, उनमें ही ये रेस्टोरेंट बनाया गया है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था हमारे लिए। तो हम लोग सारी चीज़ें देख रहे थे, बहुत ही मज़ा आ रहा था यहाँ पर हमें। मतलब हम अभी तक जहाँ भी गए हैं, हमारे लिए बेस्ट था ये हवाई अड्डा। एक हवाई अड्डा, मतलब एक एयरप्लेन करके रोहिणी में भी है दिल्ली में, उसका एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि उसका खाना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया था, बट इसका खाना भी अच्छा था, फूड अच्छा था इसका। फाइनली गार्विका को यहाँ पर टॉय ट्रेन में बैठना था, तो उसने सोचा कि चलो मैं एक राइड लेती हूँ। उसने बोला नहीं मामा, मुझे पीछे बैठना है, मुझे आगे नहीं बैठना। तो फिर ये पीछे बैठी, और यहाँ पे 100 रुपीज़ की 2 राइड थी इसमें, 100 रुपये में 2 राइड। तो
ये गार्विका चल रही अपनी टॉय ट्रेन में, तो काफ़ी मज़ा आ रहा था। गाइस अगर आप लोग यहाँ पर आते हो तो आप लोग यहाँ पे सारी चीज़ें इंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे बच्चों के लिए अच्छी एक्टिविटीज़ है, बच्चों के लिए मतलब जहाँ हम नॉर्मली हम जाते हैं वहाँ बच्चों के लिए इतना कुछ नहीं होता है, तो यहाँ पे हम इसीलिए भी आए थे क्योंकि हमें गार्विका को भी इंजॉय कराना था और यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी, टॉय ट्रेन थी, झूले थे, मतलब जो राइड्स होती हैं। फाइनली हम अंदर आए थे, हमने एंटर किया यहाँ पे, आप देख सकते हो ये अंदर से पूरा प्लेन है, रियल प्लेन है ये, रियल मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि इसका कुछ मतलब अलग से कुछ मतलब नकली प्लेन बना रखा हो, नहीं ये रियल प्लेन है, इसको बस थोड़ा सा रिनोवेट करके रेस्टोरेंट का लुक दे दिया गया है। तो एक्सपीरियंस तो अच्छा था गाइस, यहाँ पे खाना भी हमें अच्छा लगा, यहाँ जो भी हमने फूड ऑर्डर किया था। तो गाइस अगर आप आना चाहो तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो, यहाँ पे ये मुरथल के पास पड़ता है हवाई अड्डा, हवाई अड्डा नाम से है। तो गाइस फाइनली हमारा जो खाना था वो आ चुका था और हम अपना फूड इंजॉय कर रहे थे यहाँ पे। और गार्विका के लिए हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और यहाँ पे हमने प्लेटर ऑर्डर किया था जो कि बहुत ही यम्मी था खाने में, तो हम काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा का पूरा ये प्लेन का लुक है, प्लेन है। तो गाइस एक्सपीरियंस हमारा ऑलमोस्ट अच्छा ही रहा यहाँ पे, बट हाँ एक चीज़ मुझे इसका इनका पिज़्ज़ा इतना अच्छा नहीं लगा, अगर आप यहाँ आते हो तो पिज़्ज़ा तो मत ऑर्डर करना। तो फाइनली गाइस हम यहाँ से निकल चुके थे अपने घर के लिए और यहाँ पे रास्ते में जो हाईवे था वहाँ पे ये मिल रहे थे, तो हमने ये ख़रीदे गार्विका के लिए। ये बहुत ही खुश थी, बहुत ही मस्ती कर रही थी, इंजॉय कर रही थी, देख सकते हो। तो गाइस अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।